हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लिप इनसाइट। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक और टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक में हम रिट्स को कवर करेंगे और रिट्स के टाइप्स और उसके स्कोप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखते हैं रिट्स होती क्या है। रिट्स एक तरह का ऑर्डर, वारंट और डायरेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं जो कोई एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको इशू करती है, उसे रिट्स बोला जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है रिट्स इशू करने की, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर ये पावर दी गई है। साथ ही साथ पार्लियामेंट को आर्टिकल 32 के अंडर ही पावर दी गई है कि वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिट्स इशू करने की पावर दे सकती है। बट अभी तक इस तरीके की किसी भी अथॉरिटी को इस चीज़ की पावर नहीं प्रोवाइड की गई है। 1950 से पहले क्या था कि सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास को थी रिट्स इशू करने की पावर। बट 1950 के बाद इसको चेंज करके ये सारी चीज़ें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसके बाद ये सारी जो पावर्स थी वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे दी गई। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जो आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, ये तो वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उसके लिए रिट इशू करने के लिए बाध्य होगा। और जो इसका पूरा कंसेप्ट है ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जहाँ पे प्रोरोगेटिव रिट्स होती हैं। प्रोरोगेटिव रिट्स का मतलब क्या होता है कि ये किसी एक का विशेषाधिकार होता है। वहाँ पे इसको विशेषाधिकार इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वहाँ ये किंग के नाम पर इशू की जाती थी पहले, और अभी भी वहाँ पे किंग के नाम पे इशू की जाती हैं। और साथ ही साथ किंग को वहाँ पर फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता है, इसीलिए जो ये रिट्स हैं वो प्रेरोगेटिव हैं वहाँ के किंग के। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोविजन है, सर्टियोरारी है और क्यो-वारंटो है। ये पांच तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। तो उस चीज़ में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ स्टडी कर लेते हैं कि रिट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या डिफरेंसेस हैं रिट्स को लेके, वो किस किस तरह से उनकी जो अथॉरिटी है वो उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करती है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट और साथ ही साथ दूसरे किसी पर्पज़ के लिए भी इशू कर सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इस मैटर में, जब एरिया ऑफ उसके जो कवरेज के मैटर में जब हम बात करते हैं, तो इस चीज़ में हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो ज़्यादा है बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में इशू कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही रिट्स इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है रिट इशू करने से, जबकि हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। बिकॉज इसमें एक चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है रिट इशू करने की वो आर्टिकल 32 से मिलती है, और आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ। तो ये इनके जो बीच के मेन डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। और अब देखते हैं कौन कौन सी रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसका मीनिंग लिटिल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये इशू की जाती है किसी भी कोर्ट के द्वारा जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाद कोर्ट फिर एग्जामिन करता है कि जो उसका डिटेंशन है वो लीगल है या फिर इलीगल है। अगर वो इलीगल होता है तो कोर्ट उसको रिलीज़ कर सकता है, और ये दोनों पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। और इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है जहाँ पर हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। ये कौन कौन से एक्सेप्शंस है इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। जहाँ पर डिटेंशन लॉफुल होगा, यानी कि लॉ के अंडर ही डिटेंशन किया गया है, वहाँ पर कोर्ट या लेजिस्लेटिव के कंटेम्प्ट के केस में, तो वहाँ पे भी जो है हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। और कुछ एक ज्यूरिडिक्शन एरिया जो कोर्ट के बाहर हैं वहाँ पे भी कोर्ट जो है वो हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं कर सकता है।
दूसरा मैंडेमस, इसका मतलब है वी कमांड, जैसे कि इसमें नाम पे ही लिखा गया है वी कमांड, मींस ये किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है इसके द्वारा, और ये भी कुछ केसेस में नहीं इशू की जा सकती है, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के केसेस में नहीं इशू किया जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स करने के लिए जिसके पास स्टैट्यूटरी फोर्सेस नहीं है उसको अगेंस्ट भी ये इशू नहीं की जा सकती है, जहाँ पे जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है, वो उसकी इच्छा के अनुसार ही वो कर सकता है, वहाँ पे भी इसको नहीं इशू किया जा सकता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के केसेस में भी नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट भी इसको नहीं इशू किया जा सकता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जब वो किसी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हो तब उनके अगेंस्ट भी इसको इशू नहीं किया जा सकता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है कि उसको रोकना, इससे पहले हमने देखा है मैंडमस, जहाँ पे को कमांड किया जा रहा है और यहाँ पे रोका जा रहा है, तो ये इनके जो नेचर है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अगर वो उसके जुडिक्शन एरिया से बाहर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए इस तरह की रिट्स को इशू किया जाता है, और ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही इशू हो सकती हैं। सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इससे पहले हमने बात करी थी प्रोहिबिशन की, जो सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है, बट सर्टियोरी जो है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, यानी कि यहाँ पे जो हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट होता है वो अपने लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को कोई भी पर्टिकुलर केस जो उनके पास पेंडिंग होता है वो उसको उस पर सुनवाई करने से रोक सकता है, और साथ ही साथ उसको अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए उसे आदेश दे सकता है। इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट केस है 1991 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सर्टियोरी को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, जहाँ पे वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर रहे हों, और ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी उनके अगेंस्ट भी इसे इशू नहीं किया जा सकता है, और क्यो-वारंटो जिसका मीनिंग रहता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा किसी भी पर्सन के जो उसका क्लेम है पब्लिक ऑफिस के ऊपर उसकी लीगैलिटी को जांचने के लिए इस तरह की रिट्स को इशू किया जा सकता है। इस केस में क्या होता है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन उसके लिए जा सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीव्ड पर्सन हो, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इस तरह की रिट्स को इशू करने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।